Capacity to develop answer writing is basically correlated with few important tricks. Of course, the most important trick is the consistency of answer writing. You need to be very consistent with your answer writing practice, because if that is missing, you cannot ace the answer writing requirement. One very important thing that comes up in our mind when we begin with answer writing is how to begin with our answer, introduction. I very strongly say that all the questions that are pertaining to geography, whether it is for general studies or for geography optional, there can be case one where I don't require any introduction to my answer. Aap kya karo, aap apne answer ko directly shuru kar do, taking up the reference of a particular term. दूसरा केस होता है जिस पर आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे, विच इज़ बेसिकली द डेफिनेशन, वेर यू ट्राई टू टेक अप द बिगनिंग ऑफ योर आंसर विद द टेक्निकल डेफिनेशन, बिकॉज ये कहीं पर एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है. तो जब आप इनके बारे में बात करते हो ना, तो आपको डेफिनेशन से अपने आंसर की शुरुआत करनी चाहिए. व्हेन आई से डेफिनेशन, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपके आंसर में उस पर्टिकुलर टर्म का एक जो टेक्निकल, बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन आता है उससे शुरू करें. बट डोंट मिस आउट इन क्रिएटिंग द ब्रिज. ब्रिज बहुत ज़रूरी होता है. आई पुट ऑन अ बॉक्स टू इट, टेक्निकल टर्म से इंट्रोडक्शन दें और ब्रिज करके अपने मेन आंसर पर पहुंचे. अब इसको हम प्रूफ करने के लिए दो क्वेश्चंस अभी आपके सामने लिख कर आपको बताते हैं. इसके साथ एक और हम कैटेगरी डिमार्केट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन केस की, जिसमें आपको कुछ बैकग्राउंड के साथ शुरुआत करनी पड़ जाती है. अब बैकग्राउंड के साथ शुरुआत करने के लिए हम एक, या जिसको हम कहते हैं ना टेम्पोरल पर्सपेक्टिव, उसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं. अच्छा, जब आप बात करो ना टेम्पोरल पर्सपेक्टिव की, आज हम उसके आंसर राइटिंग को नहीं ले रहे, बट अगर हम एक सिंपल सा केस आपको बताएं, मान लीजिए कि मुझसे कोई क्वेश्चन ही पूछ लिया ग्रोथ ऑफ एनी इंडस्ट्री और पॉपुलेशन ट्रेंड, तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? आपका इंट्रोडक्शन उसके बैकग्राउंड से होगा. तो जब भी आप अपने आंसर को एक फुल प्रूफ आंसर अप्रोच बनाना चाहते हो, उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें. अब हम क्या कर रहे हैं, 2022 मेन के क्वेश्चंस को देखकर दो चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं. नंबर वन, हाउ टू फ्रेम द आंसर टू द आस्क्ड क्वेश्चन which would have given us good marks, and number two, how to encash over the overlaps that general studies have with geography optional. ये दोनों चीज़ों के बारे में अब हम बात कर रहे हैं. So let me go straight forward to framing up of the answer. It will be belonging to ये definition का जो introduction है, इस पर based category. आपके सामने हाईलाइट कर दिया, डेफिनेशन बेस्ड में आपको हमेशा टेक्निकल टर्म और ब्रिज दोनों का बहुत ध्यान रखना है. ओके, नाउ आई सेलेक्ट क्वेश्चंस क्विकली. एज आई सेलेक्ट क्वेश्चन, आई नीड टू मेक सेंस विद कि भाई क्वेश्चन का डिमांड क्या था. सो इट वॉज इन द ऑप्शनल पेपर, सो आई जस्ट टेक द ऑप्शनल पेपर फर्स्ट. ऑप्शनल पेपर वन में क्वेश्चन नंबर टू पार्ट सी पूछा गया है. दैट वाज अ 15 मार्कर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया रिलेशनशिप, सो आई क्विकली अटेम्प्ट इट, रिलेशनशिप बिटवीन ओशियानिक, इट्स ओशन करंट सिस्टम एंड ग्लोबल सरफेस विंड सिस्टम. So this is the first part of the question. So I'm purposefully dividing into two parts. And part two mein kya pooch raha hai? Explain with examples how Geyer circulation of northern hemisphere differs from southern hemisphere. मतलब मेरे क्वेश्चन के दो पार्ट हैं.
एक एडवाइस आप सभी लोगों के लिए, ये सेल्फ स्टाइल्ड एक्रोनिम्स या सिनोनिम्स या एक्रोनिम्स या अब्रीविएशंस आपको अपने आंसर राइटिंग में अवॉइड करने चाहिए. अच्छा, व्हेन आई टेक रेफरेंस ऑफ द बिगनिंग ऑफ दिस आंसर, मुझे इस आंसर को कैसे शुरू करना है, आई मस्ट थिंक अबाउट द टेक्निकल बिगनिंग. मेरे क्वेश्चन का की टर्म है ओशन करंट सिस्टम, सो माय आंसर मस्ट बिगिन. आई बिगिन माय आंसर बाय सेइंग व्हाट इज ओशियनिक करंट सिस्टम, सो आई राइट ओशियनिक करंट सिस्टम. Is consistent water movement in a particular direction. I continue with my introduction because I need to take care of two oceanic current systems. पूछ रहा है तो मुझे एक oceanic current system के introduction में दोनों constituents को देना चाहिए. I can do it in the tabular form or I can do it in the point. So there are two different current systems I can label it as A, surface current system, essentially facilitated by planetary winds and subsurface current system that is facilitated by vertical density, salinity, temperature differences. ये आपका हुआ इंट्रोडक्शन. अब आपको क्या करना है, इसमें लिंक क्रिएट करना है. So when you are taking the reference of introduction, you have given examiner कि भाई oceanic current system के दो parts होते हैं. Underlining एक बहुत crucial point है, ज़रूर करते हुए चलेंगे. Now you have to create that link, the bridge. अब bridge के लिए क्या करेंगे, it is surface current system called Geyer circulation that is movement of surface water throughout the air in influence of surface wind system. To prove it, you'll take into reference the surface wind system combined with your Geyer circulation ka domain. So you have to get into the mechanism of Geyer circulation. So when I get with the mechanism of Geyer circulation, I take into account Ekman's transport and thus pumping creates boundary currents. Boundary currents important है, इसको underline करेंगे. और which combined with open oceanic currents create closed current system called Geyer. अब ये मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी हो गया. यू हैव टेकन अप द बॉडी इनटू योर कंसिडरेशन. अब इसके आगे बढ़ने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है हाउ इट इज रिलेटेड टू द ग्लोबल सरफेस विंड सिस्टम, तो आपको क्या करना चाहिए,
एज यू लैंड ऑन टू योर पेज नंबर टू, आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू टेक इन टू रेफरेंस द रिलेशन दैट हैज टू बी अप्लाइड, है ना. तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट, डायग्राम बनाओ यहां फटाफट, प्लैनेटरी विंड सिस्टम और गायर सर्कुलेशन का. प्लैनेटरी विंड सिस्टम में और गायर सर्कुलेशन में इक्वेटर का रेफरेंस लेकर वी कैन इजिली टेक इन टू अकाउंट द प्रिवेलिंग ट्रेड्स, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज एंड प्रिवेलिंग पोलर विंड्स. आप क्विकली लैटीट्यूड्स को मार्क कर दो या आप लाइन बनाकर लैटीट्यूड को डिमार्केट कर दो, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है आपको ज़रूर करना चाहिए. एंड यू मस्ट लेबल ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में करो या सदर्न हेमिस्फेयर में करो. क्वेश्चन में पूछा हुआ है सरफेस विंड सिस्टम, तो हम यहाँ लेबलिंग भी सरफेस विंड सिस्टम कर देते हैं. दिस इज़ व्हाट माय डायग्राम इज शोइंग. आप इसको दोनों ही हेमिस्फेयर में लेबल करना चाहो ज़रूर करो, आपको बस थोड़ा सा अपना टाइम फैक्टर का दिमाग में रखना है. आई एम नॉट फॉलोइंग द स्टॉप वॉच राइट नाउ, क्योंकि आपको लिखते हुए समझा भी रहे हैं तो उसमें हमारा टाइम जा रहा है. हम इवेंचुअली जब आपके साथ आंसर लिखेंगे तो हम बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में टाइम लगा कर लिखेंगे. अब इसमें आपको क्या करना है, गायर सर्कुलेशन बनाना है. तो ओपन ओशियानिक करेंट्स कंबाइंड विद बाउंड्री करेंट्स विद नैनसन इफेक्ट एंड ईस्ट बाउंड्री करेंट. फटाफट से आपने डायग्राम बना लिया और इस डायग्राम को बनाने के बाद आप यहाँ इस पेज में क्विकली मैकेनिज्म समझा सकते हो. This is nature of gyre circulation in northern and southern hemisphere. तो आपने examiner को quickly दोनों का comparison दे दिया. And then you write here, it is due to spin of the earth that equatorial water makes westward flow. अब यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड नहीं है तो हम इन्फ्लुएंस ऑफ केल्विन वेव को अवॉइड कर सकते हैं. एंड यू कैन लेबल इट हैंड इन हैंड विद योर डायग्राम विच इज़ इक्वेटोरियल करंट. अच्छा, जब आपको पता चल गया कि आपके आंसर में कुछ टर्म्स बहुत लंबे हैं और मुझे उनको बार बार लिखना है, तो आप अपने लिए एक सिनोनिमस टर्म्स, यू नो, एक सिनोनिमस एक्रोनिम या अब्रिविएशन क्रिएट कर लो, टाइम बचता है उससे. अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, दी पोलर वाटर, बोलते पोलर वाटर हैं बट इट इज़ सब पोलर एक्चुअली, विच इज़ पोलर करेंट्स डिनोट्स नैनसन इफेक्ट. नैनसन इफेक्ट के लिए फटाफट से एग्जामिनर को एक डायग्राम दे दो छोटा सा बना के, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है. इक्वेटर को ज़रूर मार्क कर देना. और इससे आप क्या एग्जामिनर को बेनिफिट दे दोगे, आपने समय बचा लिया बाय गिविंग एग्जामिनर दिस काइंड ऑफ डायग्राम. तो आप लेबल कर दीजिए दिस इज़ विंड एंड अकॉर्डिंगली दिस इज़ विंड हेयर एंड यू हैव लेबल्ड इट. डबल एरो कर दो, लेबलिंग में भी आपके डायग्राम में भी बड़े आराम से दिखाई देगा. I'll try to add here. अगर आप बहुत comfortable नहीं हो diagram making में, जो आपको होना चाहिए, तो आप pencil का इस्तेमाल करें because आप उसको remove कर सकते हो. अगर आप बहुत comfortable हो diagram making में, then you can certainly go with pen itself. कोई hard and fast rule नहीं है कि आपको ये diagram ऐसे ही बनाना है. So Nansen effect combined with prevailing westerlies. creates eastward moving polar water. तीसरा पॉइंट लिखेंगे. Ekman's transport modified by
prevailing winds creates geostrophic currents the boundary currents add kar do west boundary due to trade winds and east boundary due to westerlies. क्योंकि हमारे क्वेश्चन का एक और पार्ट है जो रीड कर रहा है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ द गायर सर्कुलेशन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर डिफर्स. तो हम ये जियोस्ट्रोफिक करंट के एग्जांपल को भी अपने फाइनल पेज के लिए रख सकते हैं. हमने अपना मेन बॉडी कंस्ट्रक्ट कर लिया और अब हम पहुंच गए थर्ड पार्ट ऑफ माय आंसर दैट इज द सेकंड क्वेश्चन जो इसमें पूछा हुआ है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ द गायर सर्कुलेशन डिफर्स इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. तो आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर को आगे बढ़ाकर लिखना है दैट गायर सर्कुलेशन in open oceans, I am writing open oceanic basins, includes both northern hemisphere and southern hemisphere, accounting for 5 systems. इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, नदन अटलांटिक, नदन पैसिफिक अलोंग विद सदन अटलांटिक सदन पैसिफिक एंड सदन इंडियन ओशन. So I have got 5 systems, you can underline it. अब इसी में आप अपने second part of the answer को construct करना शुरू करेंगे. तो the difference, diagram आप बना चुके हो तो दोबारा नहीं बनाओगे, of Geyer circulation between hemispheres is A, its direction. So you put it in bubble or you underline. When I say direction, you have to enhance it. Northern hemisphere, the circulation is clockwise while in southern hemisphere it is counterclockwise. दूसरा डिफरेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शोरलाइन बैरियर की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर the Nansen effect creates northeastern polar current. अब examples दो, as North Atlantic drift ब्रैकेट में डाल दीजिए नॉर्वेजियन करंट विच इज द एक्सटेंशन ऑफ इट एंड इट इज एक्सटेंशन इन आर्कटिक ओशन. तो उतना डिटेल्स की यहाँ जरूरत नहीं है, छोड़ दें. एंड नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट विच
which doesn't have the extension like Norwegian current because we have got Bering Strait, we don't need it, so हम इसको छोड़ देते हैं. तो मेरे पास नदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ ईस्टर्न पोलर करंट जाते हैं, वाइल इन सदर्न हेमिस्फेयर इट इज सर्कम एंटार्कटिक ड्रिफ्ट. एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, पूछा भी नहीं होता तो भी एग्जाम्पल लिखना होता, जिसको आप वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोलते हैं. एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है वो पूरे के पूरे एंटार्कटिक ओशन या सदर्न ओशन को ट्रेवर्स करता है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट. अच्छा, इसके बाद अगर मुझे दूसरा डिफरेंस लेना है तो मेरा एक डिफरेंस शोरलाइन बैरियर के साथ तो हो गया मूवमेंट, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मिस करते हैं, दैट नदर्न हेमिस्फेयर डू डेवलप्स सीजनल सब पोलर गायर. अब इसमें आप एग्जाम्पल दे देंगे, ड्यू टू अब्लेडेड वाटर. डेफिनेशन लिखने का यहां स्कोप नहीं है, अंडरलाइन कर दो. एज इर्मिंगर करंट एंड लैब्राडोर करंट डू जेनरेट समर स्पेसिफिक सब पोलर गायर एंड इन स्पाइट ऑफ फॉकलैंड करंट इन सदर्न अटलांटिक सच सर्क्यूलेशन डू नॉट डेवलप. आंसर इज डन. आपने डायग्राम सेकेंड पेज पर बना लिया था, इसलिए आप डायग्राम दोबारा नहीं बना रहे हो. आपने डायग्राम सेकेंड पेज पर दो तीनों बना दिए और आपने इंट्रोडक्शन में करंट सिस्टम को डिवाइड आउट कर दिया. दिस इज हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर आंसर. अच्छा, हमने आपको बताया कि भाई मुझे ओवरलैप का भी एक बेनिफिट हमारे को समझना है, तो ओवरलैप का बेनिफिट समझने के लिए क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को एक मिनट के लिए हटाते हैं, जनरल स्टडीज का क्वेश्चन को फटाफट पिकअप करते हैं ताकि हमारा पॉइंट क्लियर हो जाए, है ना. तो 2022 में ही तो जनरल स्टडीज पेपर वन में जनरल स्टडीज पेपर वन 2022 इट वॉज द क्वेश्चन आस्ड. ये क्वेश्चन मुझे मिला है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सो आई एम राइटिंग क्वेश्चन 14. तो हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे और आप खुद देखो इस तरह के ओवरलैप से आप अपने ऑप्शनल को कितनी अच्छी तरह एसोसिएट करके आंसर बना सकते हो. क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंसेस ओशन करंट्स. अभी अभी हमने ओशन करंट्स पर एक पूरा आंसर लिखा, लेकिन जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका सेकंड पार्ट था, हम ब्रेक करके लिख दे रहे हैं. डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्रीज ऑफ वर्ल्ड. अब ये जो है ये थोड़ा सा डेविएटिव क्वेश्चन हो गया, बट फर्स्ट पार्ट को देखो जरा ध्यान से दिखता है. अब इसमें जो की टर्म्स है उसको अंडरलाइन करो, भाई फोर्सेस भी पूछ रहा है और ओशन करंट भी पूछ रहा है. तो मेरे आंसर का इंट्रोडक्शन, अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो मेरे आंसर का जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे शुरू होना चाहिए. आई मस्ट अगेन स्टार्ट विद व्हाट इज ओशन करंट, क्योंकि पूछ रहा है फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंसेस ओशन करंट, है ना. तो आप ओशन करंट को डिफाइन करें जैसे हमने पिछले केस में डिफाइन करा, तो फटाफट से फिर से लिखते हैं. ओशन करंट्स आर कंसिस्टेंट वाटर मूवमेंट, ठीक है, ऑफ ओशन वाटर. यहां पर भी आपको एक कंसेप्ट से शुरू करना है ना, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो डेफिनेशन से आंसर शुरू होगा. सो इट्स अ कंसिस्टेंट ओशन वाटर मूवमेंट दैट इन्वॉल्व्स
अब फिर से आपके दो करंट सिस्टम के बारे में बात करनी पड़ेगी। डायग्राम यहाँ पर ही बना दो फटाफट, क्योंकि फोर्सेस पूछ रहा है, तो डिवाइड कर दोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमारा एक सिस्टम है सरफेस और दूसरा सिस्टम है सब सरफेस। जब आप एक सिस्टम, क्योंकि फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट पूछ रहा है, तो सरफेस डेफिनेशन देते हैं, डिवाइड कर दीजिए पेज को, आसान हो जाएगा। सरफेस इज क्लोज्ड करंट सिस्टम कंप्राइजिंग ओपन ओशियनिक एंड बाउंड्री करंट्स सब सरफेस इज वर्टिकल ओशियनिक करंट सिस्टम कंप्राइजिंग अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। कंटिन्यू टू डिवाइड, डिविजन से बेनिफिट मिल जाएगा, जगह भी बच जाएगी। इट इज रेगुलेटेड बाय प्रीवेलिंग विंड्स टेम्परेचर salinity difference and shoreline barrier। It is regulated by density difference between pelagic pycnocline and benthic water। ठीक है, अच्छा फोर्सेस पूछ रहा है, इसलिए आप फटाफट से क्या करो, सर्कुलेशन का नेचर बना देते हैं। आप इसको कह सकते हो डायग्राम के सपोर्ट के साथ भी बना सकते हो, तो इसे हमने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। क्लोज करंट सिस्टम जिसका आपने क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में शो कर दिया, तो ये तो आपका आसानी से डायग्राम बन जाता है। दैट यू हैव क्रिएटेड द क्लोज्ड करंट सिस्टम ऑफ क्लॉकवाइज सर्कुलेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन इन सदर्न हेमिस्फीयर। सो आपने ये वाला सर्कुलेशन बनाकर सब ट्रॉपिकल गायर शो कर दिया एंड यू आर डन विद इट। आप लेबल ज़रूर कर दें, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, वेस्ट बाउंड्री है, पोलर वाटर लिख दो, यहाँ सर्कम एंटार्कटिक ड्रिफ्ट लिखना चाहिए, गायर सर्कुलेशन का डोमेन बना दें। अच्छा, जब आप कॉलम टू में आ रहे हो जहाँ पर आपने सब सरफेस करंट के बारे में लिखना है, तो यहाँ पर मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन स्कोप नहीं होता पूरा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम एग्जामिनर को ऐसा एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दो, साइटिंग द थ्री लेयर्स ऑफ द ओशन वाटर, है ना। तो आप यहाँ से डाउनवेल बना दीजिए कम से कम एक दो एरो करके, यहाँ पर आप बेंथिक करंट बना दीजिए और यहाँ से आप अपवेल को शो कर दीजिए। सो यू हैव क्रिएटेड थ्री लेयर्स ऑफ ओशन वाटर, ये आपका हुआ पिलाजिक, ये आपका हो गया पिकनोक्लाइन और ये आपका हो गया बेंथिक, है ना।
और आपने क्या डिमार्केट कर दिया, आपने डिमार्केट कर दिया मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। सो आपने मैकेनिज्म और डायग्राम दोनों चीज़ें फर्स्ट पेज पर ऐड कर दी। अच्छा, अब आपसे जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछ रहा है, आप चाहो तो इसको टैबुलर नहीं बना के डिटेल्स में भी लिख सकते हो, बट मेरे विचार से द फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंसेस ओशियानिक करंट को जस्टिफाई करने के लिए टेम्परेचर सैलिनिटी वाला जो हमारा ये पॉइंट नंबर 2 है, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा और इलाबोरेट कर सकते हो इफ़ यू थिंक यू कैन डू दैट, एंड देन यू गेट ऑन टू दी पार्ट नंबर 2 ऑफ द आंसर। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन पूछता है डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री। अब जैसे हम फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि भाई फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग मतलब सरफेस वाटर, इसका मतलब हम गायर सर्कुलेशन के आगे ही नहीं जाएं, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। तो एज सून एज आई गेट ऑन टू द रोल इन द फिशिंग इंडस्ट्री, सो द रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री करके आपको अपने सेकेंड पार्ट ऑफ आंसर को कैसे शुरू करना है, that fish shoals are determined by water temperature, salinity, dissolved oxygen, and of course the supply of nutrient. Next point likhenge, current systems tends to influence all these factors. Thus, fish shoals dash fishing industry. अब इसी पॉइंट को आपने आगे बढ़ाना है, फिश शोल्स के डिटरमाइनर को लिखकर आपने उसको ओशन करंट के साथ रिलेट कर दिया। अब जब आपने कर दिया तब आप इसके बाद आगे बढ़ो और समझाओ हर पॉइंट को। तो सबसे पहला पॉइंट हमने बताया एज टेम्परेचर, टेम्परेचर एज डिटरमाइनर है ना, ट्रॉपिकल वाटर्स विद इम्प्योर शोल्स एंड हाई ऑयल कंटेंट do not develop major fishing ground. आप बोलोगे इस पॉइंट का क्या जरूरत था, इस पॉइंट का जरूरत इसलिए था एक्सेप्ट पेरू, अ मेजर फिशिंग नेशन दैट इज गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम हम्बोल्ट और परूवियन कोल्ड करंट। ये कोल्ड करंट ही स्ट्रॉन्ग अपवेल डेवलप कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग अपवेल की वजह से ही यू हैव गॉट वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोमिनेंट एनकोव फिशिंग ग्राउंड आइडेंटिफाइड विद दिस लोकेशन। सो दिस इज केस वन दैट यू हैव टेकन इन द अंडरस्टैंडिंग फिशिंग ग्राउंड। अच्छा, अब इसके बाद आप आ जाएंगे सैलिनिटी, लाइट, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट। सो आप क्या करो, अदर डिटरमाइनर्स करके लिख देते हैं। जब आप अदर डिटरमाइनर्स करते हो तो यू टेंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिटरमाइंस फिशिंग ग्राउंड्स which can be dual
including anadromous and catadromous, pelagic and benthic. इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे. When I take reference of pelagic, whether it is California upwell due to cold pelagic water creating Northeast Pacific fishing ground. So here upwell California current, or I take into reference mixing of cold and warm surface currents, and we get on to examples, Northwest Atlantic, जहां पर आप गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट को मिक्स कर रहे हो. यू कंटिन्यू विद योर एग्जाम्पल विद योर लास्ट पेज, और यू टेक नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक वेर यू आर इंटरमिक्सिंग कुरोशिवो विद ओयाशिवो करंट. मेजर फिशिंग ग्राउंड्स आर डेवलप्ड. जो कॉमन मिस्टेक है, आप यहां पर एग्जाम्पल्स ऑफ द कंट्री साइट कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से इतना ज्यादा जरूरी नहीं है. जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नॉर्मली मिस आउट करते हैं वो है डिमर्सल फिशिंग के लिए. जब आप डिमर्सल फिशिंग के लिए बात करते हो ना, तो यहाँ पर भी एक बड़ा मेजर ओशियानिक करंट सिस्टम का सिग्निफिकेंस आता है. डिमर्सल फिशिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंपॉर्टेंट टर्म है, अंडरलाइन कर देंगे, माइक्रोबायल लूप. That provides habitat support to the fish shoal. अब यहां पर आप एक बड़ा अच्छा सा छोटा सा डायग्राम बना सकते हो. जगह हमारे पास है ही, तो ये मैंने सरफेस वाटर ड्रॉ कर दिया. माइक्रोबायल लूप बना दे रहे हैं, बिल्कुल डेड सा आंसर बन रहा ना, डायग्राम नहीं आ रहे. तो आपने क्या कर दिया, यहां पर यू हैव गिवन फाइटोप्लैंक्टन्स विद डीकंपोजर्स. इनसे आप ले जाओ डेड ऑर्गेनिक रिमेन, वहां से ले जाओ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से आप ले जा सकते हो सिलेट्स, छोड़ भी सकते हो, लेट मी राइट इट. सिलेट्स इम्पॉर्टेंट फीड है ज़ूओप्लैंक्टन का, एंड दैट बिकम्स द फीड फॉर फिश. आपका ये माइक्रोबायल लूप रेडी हो गया. तो इसको लूप को आपने कैसे बना देना है, डायग्रामेटिक लुक देना चाह रहे हो ना, तो ऐसे करके बना दो. बैक्टीरिया को भी बबल में डाल दीजिए, सिलिएट्स को भी बबल में डाल दीजिए, ज़ूओप्लैंक्टन को भी बबल में डाल दीजिए, एंड देन टेक इट टू फिश.
तो आपने एक सरफेस से एंड व्हाट यू हैव शोन हियर, यू हैव शोन द माइक्रोबायल लूप. सो माइक्रोबायल लूप टेंड्स टू प्रोवाइड हैबिटेट सपोर्ट टू द फिश शोल्स इन द डिमर्सल लोकेशन. अब इस डिमर्सल लोकेशन से बेनिफिट क्या होता है, द बिग फिश एज गोल्डन वाइट किंग फिश और स्मॉल फिशेस विद बिग शोल्स. आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिल हैव बीन सिग्निफिकेंट हार्वेस्ट फ्रॉम सदर्न ओशन. चाहिए तो लिख सकते हो ब्रैकेट में अपार्ट फ्रॉम वेल, बिकॉज वेल फिशिंग से ही शुरुआत हुई थी. जस्टिफाइंग थर्मोहलाइन सर्क्यूलेशंस रोल. यू अंडरस्टैंडिंग की आंसर राइटिंग का जो एक जिसको कहते हैं ना ट्रिक, वो होता है कंसेप्ट की क्लैरिटी और थिंकिंग अबाउट कि भाई मेरे से क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है. सो एज आई रिपीट, आई जस्ट वॉन्ट टू ओपन अप द फ्रंट पेज जहां हमने आपको समझाया कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्टूडेंट्स अपने दिमाग में रखते हैं कि भाई मुझे अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कैसे करना है. तो इंट्रोडक्शन के लिए अपने दिमाग में हमेशा रखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है, लेकिन देर आर सर्टन क्वेश्चंस वेयर यू शुड डिसाइड इंट्रोडक्शन टू बी गुड एज बेस्ड ऑन इट्स डेफिनेशन और इट्स कंटेंट. दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई विल कंटिन्यू टू राइट सच आंसर्स टू गिव यू कॉन्फिडेंस हाउ टू गो अबाउट विद योर राइटिंग प्रैक्टिस. Happy learning. Bye-bye.